Hola, good afternoon. आज हम ऑनलाइन संगीत की कक्षा, संगीत क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है जो मुझे ये सेवा करने का मौका मिला। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सुझावानुसार इस कक्षा को शुरू करने का मौका मिला है। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको फायदेमंद रहेगी और आप अपनी जिंदगी को, जीवन को एक मनोरंजक बना सकते हैं। सबसे पहले मैं संगीत की सरगम से शुरू करूंगा। सा रे गा मा पा धा नी। जैसे पाश्चात्य में, वेस्टर्न में दो रे मी फा सोला टी, अगेन फिर दो आ जाता है। जैसे दो रे मी फा सोला टी दो, सी डी ई एफ जी ए बी, देन अगेन सी। इसी तरह हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक में सा रे गा मा पा धा नी सरगम से हम आज शुरू करेंगे। इससे पहले कि सरगम शुरू करें, मैं आपको एक भजन पहले सुनाता हूँ, भजन प्रस्तुति करता हूँ। गजा
Now we will start with the sargam first lesson. Sa re ga ma pa As you know, there are seven notes in the music. So, normal notes are seven, and other five notes, they have two types of notes, sa and pa. Sa or pa, achal, they are stable. And re, ga, ma, dha, ni, they are placed two places. Sa, re, re, ga, ga, ma, ma, pa, dha, ni, ni, sa. So, all notes are 12 notes. 12 swar, 12 swar, sangeet 12 swaron ka ek samuh hai. Hum isko ikattha nahi ga sakte. हमको सात ज्यादा से ज्यादा सात और कम से पांच नोट्स का संगीत में प्रयोग हिंदुस्तानी संगीत में प्रयोग होता है. तो दूसरी सरगम हम गाने गा रहे हैं. दूसरा स्टेप है, पहले हमने गाया एक बार गाने से वंस टाइम दे सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे ब्रीदिंग प्रैक्टिस होएगा. आपको एक एक अलग आनंद महसूस होएगा. सा लाइक सा टिकना है. रे गा मा पा दा
variation. Sa, sa, re, re, ga. Ma, ga, ga.
fifth variation. Sa 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 re 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 da 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 ma 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 da sa 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 ni 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 da 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 ma 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 these exercise we call it alankar. Alankar means किसी चीज को सजाना. संगीत को अलंकारों के माध्यम से सजाया जाता है. तो ये अभ्यास संगीत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. Thank you.